अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अल्लाह के नज़र से हम लोग भी अच्छे हैं। आज हम जा रहे हैं शाहिद भाई के साथ फिर से, और शाहिद भाई हमारे वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, इनके चैनल में मेंशन करूँगा आपको। वैसे तो ज़्यादा व्यूज है नहीं हमारे, अभी स्टार्टिंग करी है हमने, लेकिन आप लोगों का प्यार मोहब्बत चाहिए। बाकी देखो ये रहे एक्टर हमारे सलमान भाई, और एक नए एक्टर, और एक हमारे शाहिद भाई एक्टर। तो चलिए चलते हैं। हमारे शाहिद भाई बहुत बेस्ट हैं जी, और इनसे ही हमें मोटिवेशन मिली है। जिस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट कराई है, बस आप लोगों को प्यार मोहब्बत चाहिए। ये शाहिद भाई का बड़प्पन है भाई, ये शाहिद भाई का बड़प्पन है। चलो चलते हैं फिर, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। भाई ध्यान रखना बस, हमारा फोन ना ले वो चीज। भाई हमें थ्री इडियट मैं आमिर खान हूँ क्या? ये आमिर खान की आई छोटी है तो मैं आमिर खान हूँ भाई। अभी फिलहाल मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वो जगह इतनी सुकून की है, बस अगर यहाँ पे अगर ट्रैफिक ना होता तो और ज़्यादा सुकून होता। सामने देखो यहाँ पर ये सारे जो कबूतर हैं, ओहो ये व्यू देखो, ज़्यादातर गांव में देखने को मिलता है, लेकिन भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लोग आते हैं और जो भी ये कबूतरों के लिए खाने के लिए दाना बाजरा या जो भी उनके को लगता है वो सब यहाँ पर डाल देते हैं, फिर कबूतर को खिलाते हैं। ये भी एक सवाब का काम है, बाकी सवाब का काम है। वीडियो ढूंढ रहे हैं भाई लोग हमारे, फिर देखो इंशाल्लाह करते हैं वीडियो, कोई यहाँ से मुतालिक कोई हो कंटेंट तो यहीं करेंगे, वरना नहीं होगा तो सीधा निकल जाएंगे आगे। वो क्यों सलमान भाई, ठीक है भाई? बिल्कुल ठीक है ना। ये सामने ना भाई ये देखो चील मरी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या हुआ इसे, मैं इसे साइड रखता हूँ यार। ये हमारे शारिफ भाई, एक चील यहाँ पर मर गई थी अचानक सडनली किसी चीज़ से टकरा कर आई थिंक, बट हमारा काम है कि इसको साइड में रख दें, ऊपर मत रखो, और हो सकता है शायद इसमें कुछ सांसे बचे। हमारे शारिफ भाई ने बहुत अच्छा काम कराया, किसी गाड़ी वाड़ी से टकरा कर गया। जी जी जी, चलो कोई नहीं। ये नज़ारा देख रहे हो कितना प्यारा है, यहाँ पर सुख शांति, लेकिन बराबर में जो है ना अपना ट्रैफिक तो दिल्ली में आपको पता ही है किस लेवल का ट्रैफिक है। अपने शाहिद भाई और ये सलमान भाई वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा थक गए हैं, मैंने भी ये कहा चलो रेस्ट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करते हैं अपना, सही है ना शाहिद भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल, धूप काफ़ी है। अब अक्टूबर के महीने में ऐसी गर्मी पड़ रही है, मैं आपको बताऊँ कि जून या जुलाई में भी डॉक्टर साहब अक्टूबर के महीने में ऐसी गर्मी सोचने वाली बात है, कुछ कह नहीं सकते। जैसे गर्मी पड़ी है ना, अब कैसे ठंड भी पड़ेगी दिल्ली के अंदर, मेरे को तो ये लगता है भाई। देखो दिल्ली की तो सर्दी और गर्मी दोनों ही फेमस है, बारिश तो आप जानते ही हो, केजरीवाल को काम में ले लेते हैं। बेशक बेशक बेशक, केजरीवाल यूं बुरे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली का जो इलाका है वो थोड़ा नीचे, तो जब बारिश होती है तो पानी ज्यादा ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है। केजरीवाल, केजरीवाल जी को भाई फुल सपोर्ट है दिल से। केजरीवाल, मैं और हमारे जो भाई हैं ये सब जो ना, सबके पास वोटर आई डी कार्ड है, सब केजरीवाल जी को ही वोट देंगे आने वाले इलेक्शन में। बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला विधानसभा इलेक्शन केजरीवाल जी दोबारा जीत रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बाकी अदर पार्टियां उनको ट्रोल करें कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, पर देंगे हम केजरीवाल जी को वोट। अच्छे लोग, अच्छे लोगों को ना ट्रोल किया ही जाता है, अच्छे लोगों को ट्रोल किया ही जाता है, वो ट्रोल करने के भी तरीके होते हैं अलग अलग। अब जो मैं ट्रोल करता हूं मिलती है, कामयाबी ट्रोल होगी मिलती है। बस बस बस, तो ट्रोलिंग की भी बहुत तरीके हैं, कुछ ट्रोल ऐसे होते हैं जो बेहया काम करते हैं उनको ट्रोल करते हैं, जैसे मैं करता हूं उन लोगों को ट्रोल। भाई नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है। आपको कभी भी कोई शूट करना हो, मतलब जैसे बाइक राइडिंग वगैरह, ये रोड ठीक है, मैं बाइक राइडिंग को आपको कह रहा हूं, लेकिन बाइक राइडिंग करना मत भाई। जैसी आप लोग देखते होंगे कैसी कैसी गाड़ियाँ चलाते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, तो आप ना करें। लेकिन ये गाड़ी थोड़ी सी, ये रोड ठीक ठाक है थोड़ा बहुत। ये राजघाट की पार्किंग है देखो, बहुत काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे जो है ना कार के लिए बिल्कुल फ्री है पार्किंग। हम थोड़ा थोड़ा चलते चलते भाई राजघाट में एंटर हो ही गए, क्योंकि राजघाट की जो ब्यूटी है ना यहाँ की, वो हमें खुद खींचती है, यहाँ की जो ब्यूटी है वो अट्रैक्ट करती है आपको, और वो आपको देखने को भी मिलेगी। देखो वैसे तो फिलहाल अभी धूप हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुख शांति है, बहुत मस्त नज़ारा है। ये देखिए आप इस नज़ारे को देखिए, देखो ये देखो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं इस नज़ारे को देखिए, पीस एकदम। यार दिल्ली में नहीं आया, राजघाट नहीं आया तो बेकार है। बस 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 बस, बिल्कुल बात सही है। सीधा यहाँ से जाके देख सकते हैं, यहाँ पर लोग बहुत आते हैं,
और साउथ इंडिया के लोग तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, वो क्योंकि गांधी जी को मानने वाले हैं, और गांधी जी को मानने वाले हम भी हैं, हम गांधी जी को मानते हैं नॉन वायलेंस वाले को, जिन्होंने देश आज़ाद करा हमारा। बस तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही जो मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ से भी कहीं हमें जाना है, संडे ही हमारे पास होता है, तो भाई भी चलो भाई, अल्लाह हाफिज़ कह दो भाई। ओके भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।